नवलचंद जी सोलंकी, मिलन किराना स्टोर, अरविंद कुमार, नित्थालाल जी भोगर, उषा ग्रीन ई बाइक, और जिन जिन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के लिए पुरानी गेंद लेके गए वो वापस ले आए, सभी को विनती है प्रैक्टिस के लिए जो जो खिलाड़ी पुराना बॉल लेके गए वो वापस लेके आए। मैच स्टार्ट होते हुआ पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, इस वक्त एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर कार्ड इस वक्त सिंगल से ओपन होता हुआ एक रन, और पहली गेंद पर इस वक्त नो का इशारा अंपायर द्वारा, और नो गेंद जरूर जाएगी लोकेश जी पामेजा के सम्मान में। और इसके बाद ये गेंद अच्छी रोकी है अपने टीम की, पांच रन जरूर बचाए क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी ये, तो कैच भी लपकते तो भी आउट नहीं होता, लेकिन ये पांच रन जरूर रोके, क्या बढ़िया फील्डिंग है। एमजीएम बना फॉर एवर, ये अच्छी मैच है, दोनों ही टीम के पास अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी फील्डिंग है, तो मैच देखने मजा आएगा। जब चलिए छोटे बच्चों से बिनती, आप मैदान के बाहर आइए। इस वक्त ऑन साइड में खेला, एक रन जरूर मिलेगा, और जो जब भी तो अच्छी टीमें आमने सामने होती है तो मैच में मजा आता है, और शायद इस वक्त मैच में मजा जरूर आएगा। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो चार रन दो गेंदे हो चुके, हल्के हाथों से खेला है इस वक्त, 38 सेकंड में फील्ड होगा, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। पांच स्कोर कार्ड पर और यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्रोन कैमरे के माध्यम से सभी पर ये कैमरा जाता हुआ, हमारे कैमरामैन इस वक्त मुन्ना जायसवाल और ड्रोन कैमरामैन नितेश पाटिल, पाटिल नेटवर्क के ओनर। वाइड गेंद भाऊजी के सम्मान में निकल जाएगी, एक रन जरूर मिलेगा, स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त छः रन। और देखा जाए तो बीपीएल मुझे लगता है ये चौथा साल है जो चौथे साल में यहाँ पे हमें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है कमेंट्री के लिए, इसलिए सभी जैन युवा ग्रुप का मैं धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पे ये चार रन निकल जाएगी मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में, यस डीजे। जरूर ये आठवां साल है, लेकिन इस आठवें साल में हमें ये चौथी बार मौका मिला है, और तहे दिल से शुक्रिया जरूर रहेगा पूरे बीपीएल टीम का। और यहाँ पे पाटिल नेटवर्क ड्रोन कैमरा आप देख सकते हैं, इस कैमरे में पाटिल नेटवर्क के ओनर नितेश पाटिल नजर आ रहे, और ये फिर से एक बार मैच की ओर हम जाएंगे। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए 10 रन पहली ओवर चार गेंदे, और अभी भी देखा जाए तो पांच गेंदे आखिरी गेंद, 10 ऑन द बोर्ड पहले ओवर के आखिरी गेंद, कविश तैयार, अच्छी गेंदे यॉर्कर सीधी जड़ में डाली हुई, लेकिन एक रन रोक नहीं पाए, उनको बताया प्रिंस काफी डेंजर बल्लेबाज है, इनको आउट करना जरूरी है, इसलिए सीधी जड़ में गेंद डाल दी। एक ओवर के बाद 11 रन, हम चलते हैं डीजे की तरफ, फिर लौटे के बीच मैदान, और आपके साथ जुड़ जाएंगे अजीत सर, यस डीजे।
थैंक यू डीसी, थैंक यू। तो देखना इस समय तो देखना है। थैंक यू, चलते हैं मैदान की तरफ। गेंदबाजी के लिए आए हैं मिस्टर मिलन। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस थी, गैप को ढूंढा है लॉन्ग लेग में और प्रिंस के बल्ले से निकलता हुआ ये राजकुमार स्टाइल में बाउंड्री मंगलन टाइल्स बाउंड्री के सम्मान में एस्टिस है। थैंक यू रिति, थैंक यू हर्षित। बीच हमसे बहुत सारी अच्छी जानकारी देते हुए हमारे गोल्डन मैजिक फिंगर हैं। तो 50 रन स्कोर कार्ड के पर प्रिंस ने प्रभावित किया है। इस बीच अच्छा डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस जिसे कहते हैं, डॉट बॉल आता हुआ। आज जो पहला सेमीफाइनल देखने को मिला मुद्रा 11 बनाम सपना 11 के बीच में, क्या लाजवाब। आखिरी गेंद के पर 5 रन चाहे थे वहां पर। इस समय बैट को ब्रश करती भी गेंद और कॉट बिहाइंड के रूप में मिस्टर प्रिंस आएंगे डगआउट की तरफ मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में। सॉरी, ये विकेट गिरता हुआ सूरज जी सिसोदिया के सम्मान में। डिज़े थैंक यू। तो आप देख सकते हो जो पहला सेमीफाइनल मैच यादगार मैच रहा है, इतिहास के सुनहरे पन्नों के ऊपर जरूर ये लिखा जाएगा कि खूबसूरत शॉट जो रमेश वाई ने आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर चढ़ा है, जब चतन शर्मा के गेंदबाजी के ऊपर जावेद मेहदत ने सिक्सर चढ़ा था। और हाल ही में 2017 की बात करेंगे तब दिनेश कार्तिक ने सोमे सरकार के अगेंस्ट जो बेहतरीन सिक्सर चढ़ के मैच को जिताया था, वैसे ही यहाँ पर रमेश भाई ने के लाजवाब सिक्सर चढ़ा और आखिरी गेंद में 5 रन की जरूरत थी तो मैच को जिताया। बहुत सालों तक ये गोल्डन मेमोरीज हमारे दिल में कैद हो जाएंगी। और रमेश भाई का वो लाजवाब सिक्सर जो मिडॉन के ऊपर से उन्होंने लॉन्गन के ऊपर से जो क्लियर किया था। इस बीच अगली गेंद थोड़े से बैकफुट पे गए पॉइंट के दिशा में गेंद को खेलते हुए गली और पॉइंट में, एक गेंद सीधी बॉन्ड लाइन के बाहर मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में आता हुआ कट शॉट एस्टिस। थैंक यू 19 रन ऑन द बोर्ड। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत के जो बल्लेबाज इस समय साइक पर खड़े हैं पुष्कर कप्तान है। यहां पर पुष्कर गेंद को पुश करते हुए ओवर मिड विकेट, दैट्स अ बिग ब्लास्ट। इस समय मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में आता हुआ पुष्कर के बल्ले से निकलता हुआ मैसिव सिक्सर यस्टिस है। थैंक यू। 6 रन से स्कोर प्लाय होता हुआ 25 ऑन द बोर्ड। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पुष्कर ऑन फायर। इस बार भी सम्मान दिया गुड सेंसिबल क्रिकेट। सिंगल का इजाफा इस समय 26 रन के ऊपर। पुष्कर की अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। टोटली स्कोर कार्ड के ऊपर 26 है एंड ऑफ द सेकेंड ओवर, लॉस ऑफ 1 विकेट। सुपर बैटिंग यहाँ पर फॉर यूर 11 टीम के बल्लेबाज, पर्टिकुलरली बात करेंगे पुष्कर और उनके साथ में है अविनाश।
अच्छी साझेदारी है, समय की मांग है, वक्त का तकाजा कि अच्छी इनिंग खेलना अब फॉर एवर इलेवन के लिए पुष्कर और अविनाश का काम बनता है, फर्ज बनता है और ईश्वर भी दायित्व उनको ही देता है सो जिम्मेदारी को उठा सके। जब हम नाव को देखते हैं तो नाव खुद पानी में रहती है और हम लोगों को पानी पार कराती है, वैसे जीवन में जो नाव की अहमियत को जानेगा, खुद कठिनाइयों का सामना करेगा और अपनी टीम को एक अच्छी राह की तरफ ले जाएगा, वही एक टीम का तारारण बनेगा। और यहाँ पर पुष्कर उस जिम्मेदारी को निभाते हुए गेंदबाजी के लिए आए हैं। संतोष, संतोष यानी कि हर्ष आनंद, रिवर्स खेलने का प्रयास था यहाँ पर, कहा जाता है कि रिवर्स शॉट बनी तो बनी, नहीं तो फिर कभी कभी आबाद कर देता है तो कभी कभी बर्बाद कर देता है ये शॉट। 26 रन डॉट बॉल इस समय उषा देवी सोलंकी के सम्मान में आता हुआ। इस बार 100 ट्राई का ट्राई था, कैच जरूर फ्लाई स्लिप में ड्रॉप हो चुका है और इस समय सूरज जी सोलंकी सिद्धेश सिद्धि ट्रेडिंग कंपनी के सम्मान में, सिद्धि ट्रेडिंग कंपनी के सम्मान में ड्रॉप कैच। इस समय लेक्सिक को छोड़ती भी गेंद संतोष तलेसरा के सम्मान में, इट इज अ वाइड बॉल, सिंगल का इजाफा इस समय स्कोर कार्ड के पर। 27 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ वन विकेट, संतोष ऑन बॉलिंग मार्क। कदमों का इस्तेमाल था, थोड़े से डांसिंग ग्राउंड, विकेट आ डायरेक्ट हुआ नहीं है, प्रयास था उनका, अंडर आर्म गेंद को फेंका था उन्होंने, दो रन जरूर आएंगे। 29 ऑन द बोर्ड, तो अच्छी तरह से खेलना होगा। मुद्रा 11 ने क्या मैच को लाया था, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो रेगुलरिटी, वो आखिरी गेंद तक नहीं रह पाए और रमेश भाई ने अपने जलवे बिखेरने का काम किया और वो जो यादगार विनिंग पारी है वो कई सालों तक याद रहेगी बीपीएल के माध्यम से। सुपर मैग्निफिसेंट इनिंग को उन्होंने दर्शाया है और क्या लाजवाब बैटिंग की है। इस बीच संतोष अवे फ्रॉम बॉडी खेलने का प्रयास है, अच्छी गेंद डॉट बॉल। क्रिकेट का मैदान हो या फिर जीवन का मैदान, जितना शांत रहोगे, जितना अच्छा सोच के खेलोगे, उतना बेहतर काम करोगे, बेहतर और बेहतरीन के सफर को तय करोगे। इस बार भी डॉट बॉल, उषा देवी सोलंकी के सम्मान में डॉट बॉल होता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर रन है 29। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस समय कमेंट्री बॉस को अभिवादन करेगी गेंद, सीधी स्वीपर कवर से जाती हुई मंगल टार्स और बैटरी के सम्मान में यह आता हुआ लाजवाब चौका डिजे। थैंक यू स्कोर हर्षित हमें बताते हुए 33 रन हो चुके हैं तीन ओवर के समाप्ति के बाद में 11 के औसत से, यानी कि ऐसे ही रन अगर आते हैं करंट रन रेट के सारे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 77 हो सकता है। कविश आए, कविश ने प्रभावित किया इस लीग में, शांत रहते लेकिन उनकी घातकता काफी डेंजरस है। कविश गेंदबाजी के लिए आए, उनके सामने अविनाश 33 ऑन द बोर्ड, सुपर श्रृंखला रही है, एक बेहतरीन प्रतियोगिता रही है, एक जबरदस्त कारवा जो चल पड़ा है कल के दिन से आज तक और सभी दर्शकों को आनंद देता हुआ। इस बार मिस टाइम, यस नो, विकेट इज गॉन एंड म्यूजिक इज ऑन। थैंक यू सूरज जी सिसोदिया के सम्मान में विकेट गिरा, न्यू मैन अमर
बिच मैदान में आएंगे अमर, कड़ी धूप में कड़ा इम्तिहान है, दूसरा सेमीफाइनल का कड़ा मुकाबला। एक जो फाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है सपना इलेवन, और दूसरी टीम कौन सी होगी जो इस प्रतियोगिता में अंतिम मैच मेगा फाइनल खेलने के लिए बीच मैदान में जाएगी। एक तरफ फॉरएवर, दूसरी तरफ एमजी इलेवन। स्कोर कार्ड के परिसर में रन से 33 ऑन द बोर्ड। इस बार सितलाई मेडिकल्स के ऑनर सम्माननीय जगदीश चौधरी सर का शुभ आगमन यहां पर होता हुआ, दिल के गहराइयों से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बोईसर प्रीमियर लीग सीजन 8 में यहां पर हमें प्रोवाइड किया है स्प्रे वगैरह जगदीश चौधरी साहब ने, इनके लिए शुक्रिया था उनका, मेडिसिन हमें प्रोवाइड की इस श्रृंखला के लिए। इस बीच अगली गेंद के लिए कविश तैयार होते हुए, तेज तर्रार गेंद, गेंद थोड़ी सी बैट को ब्रश करती हुई शॉट, फाइन लेग में गेंद को फील्ड किया जाएगा और इन सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 35। बच्चे लोग जितने भी हैं दूर जाके खेले, बॉल लगेगी, गेंद लगेगी, प्लीज दूर जाके खेलो। थर्टी फाइव, एक तरफ पुष्कर, दूसरी तरफ कविश। दोनों ही कप्तान हैं और दोनों ही युवा कप्तान मैं कहूंगा। बहुत ही बढ़िया एंटू द गैप में गेंद खेलने का प्रयास है, मिड विकेट में बेहतरीन फील्डिंग, दो रन नहीं रोक पाएंगे ना, दो रनों के सारे स्कोर 37 ऑन द बोर्ड। रन हो चुके स्कोर कार्ड के पर। इस बार हुक करने का प्रयास, शॉर्ट मिड फाइन लेग में कैच लपकने का प्रयास, 38 ऑन द बोर्ड। इस समय कैच ड्रॉप होती हुई सूरज जी सोलंकी सिद्धि ट्रेडिंग कंपनी के सम्मान में, 38 ऑन द बोर्ड। कल से अगर देखा जाए तो खूबसूरत साथ मिला है इस टूर्नामेंट के लिए तमाम दर्शकों का, इसके पीछे तो समय 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुके हैं। देखना है अमर ऑन स्ट्राइक, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, सीधा अमर के बल्ले से निकलते हुआ हवाई फायर डिप मिडान के ऊपर से मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में। जो हमारे प्यारे दर्शक आए हैं, हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, सभी को हम एक जानकारी देना चाहेंगे। भोजनशाला में नाश्ता चाय सब व्यवस्था हो चुकी है, जिनको भी आशीर्वाद लेना है आप भोजनशाला में जा सकते हैं। तो इस 6 के सारे स्कोर फ्लाई होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ हर्षित हमें बताते हुए कि 44 रन हो चुके हैं, 44 और हो चुके हैं 4, एंड ऑफ द फोर्थ ओवर 44 रन 11 के औसत। खास करके मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर को, जिन्होंने खूबसूरत हमें साथ दिया है, रूपी भाई देवलाल जी घोटीकोड़ा, मयूर हार्डवर्क इलेक्ट्रिक, लक्ष्मीलाल नवलचंद जी सोलंकी, मिलन किराना स्टोर्स, अरविंद कुमार नीतालाल जी भोगर, उषा ग्रीन इन ई बाइक, निर्मला रूपचंद जी घाटावत, भिकी भाई बाबूलाल जी सोलंकी, कलश सिरेमिक और विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग, रूप रजत ग्रुप, सभी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। फाइनल मैच खिलानी है तो जायज टाइम जाया ना करें।
इसमें से देखना है सब 44 रन और गेंदबाजी के लिए संतोष। तो मिलन आए गेंदबाजी के लिए, इट इज अ वाइट बॉल। संतोष जी तलेसरा के सम्मान में स्कोर कार्ड पर रन इस समय आते हुए 45। इस बार अगेन लॉन्ग स्टॉप में गुजरती हुई, दोनों जरूर चुराने का प्रयास और तीसरी रन भी पूरी, चौथी भी यहां पर पूरी होती हुई। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और इन चार रनों के सारे स्कोर आगे सरकता हुआ 5-0 49 हो चुका है। ऑन द बोर्ड इस बार पुष्कर गेंद को लॉन्ग लेग में पुश करते हुए या तो वह मंगल टायर सर बैटरी के सम्मान में स्कोर मोजोन इस समय 53 ऑन द बोर्ड डीजे। तो देखना है 53 रन हो चुके स्कोर कार्ड के पर। बहुत ही बढ़िया गेंद को इनटू द गैप में इनसाइड आउट शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से पुष्कर नाम का ब्रांडेड चौका इस समय मंगल। इस बार भी सिंगल रन जरूर मिलेगा, दूसरी रन की कोशिश भी सफल। नौ गेंद के संकेत है, टोटली 3 रन से ऐड होंगे। इन 3 रनों के सारे स्कोर हर्षित हमें बताएंगे कि स्कोर इस समय होता हुआ 60। इस बार क्या लाजवाब शॉट है, ओवर मिड विकेट, पुष्कर ऑन फायर, मंगल टार्स एंड बैटरी के सनान में आता हुआ बड़ा हिट। स्कोर इस समय 66। रन 17 गेंदों में खेल रहे मिस्टर पुष्कर, 10 गेंदों में 33 की जो पार्टनरशिप हो चुकी है। स्कोर इस समय 66 ऑन द बोर्ड, बड़ा बैटिंग फॉर एवर टीम के पुष्कर। मैदान के हर कोने में अपने ट्रेडमार्क, अपने सिग्नेचर शॉट, अपने ट्रेलर, अपनी झाकिया, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए 66 ऑन द बोर्ड। इस बार रिवर्स, वाड़ा शॉट, स्विच हिट, लाजवाब मैग्निफिसेंट शॉट, स्कोर मोजना 7-0 और ये शॉट होता हुआ मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में 70 ऑन द बोर्ड। आज तो पुष्कर पूरी तरह से छाए हुए हैं। इस बार लॉन्ग लेग पाइन लेग के बीच में से गेंद सीधी मंगल टास बैटरी के सम्मान में 74 ऑन द बोर्ड। 49 रन के ऊपर खेल रहे, 49 के ऊपर नॉट आउट इनिंग खेल रहे अभी तक।
पुष्कर, टोटली स्कोर 74। बारह गेंदों में 41 रनों की पार्टनरशिप। इंडिविजुअल स्कोर की बात करेंगे, 49 के ऊपर खेल रहे पुष्कर और ओवर हो चुके यहां पर 5। और पांचवी ओवर में आए टोटली 30 रन्स और आए हैं गेंदबाजी के लिए अब सिद्धार्थ। तेज तर्रार गेंदबाज हैं, रफ्तार उनकी पहचान है, लेकिन सामने है बल्लेबाज अमर। अमर ऑन द स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर मिस्टर पुष्कर। इस बीच छगली गेंद, इस बार सिंगल रन चुराने का प्रयास है। गुड सेंसिबल क्रिकेट। 75 ऑन द बोर्ड। इस समय फॉरएवर 11 टीम बड़े टारगेट की तरफ अपने प्रस्थान जारी रख रही है। उनमें बेहतरीन योगदान रहा है 49 रनों का। सम्माननीय अरविंद जी कोटीपोड़ा साहब का यहां पर शुभागमन हो गया, उनका दिल के गहराइयों से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम सर। और 96 यहां से ऐसे ही चलेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर होने के आसार नजर आते हुए देखना यहां पर क्या तीसरी हाफ सेंचुरी जड़ने में कामयाब होंगे। पहली जड़ी थी भैरव ने, दूसरी जड़ी थी दीपक ने, क्या तीसरे के ऊपर मिस्टर पुष्कर का नाम आएगा, सवाल कौशिक ने। और चौथी जरूर देखना यहां पर क्या यहां पर पुष्कर अपने नाम के साथ में कीर्तिमान जोड़ेंगे 2022 आठवें एडिशन में। मैच एक रन दूर और रिवर्स खेलना चाहते थे डॉट बॉल उषा देवी सोलंकी के सम्मान में। इसमें चकली गेंद, इस बार 50 पूरे और पुष्कर के लिए तालियां बजनी चाहिए। सुपर बॉलिंग पुष्कर, बैट को दिखाओ, जरूर बल्ले को घुमाओ बीच मैदान में। पुष्कर अपने बल्ले को जरूर दिखाना चाहिए, 50 रन हो चुके हैं। तो इस समय स्कोर इस समय आगे सरकता हुआ 76। चौथे से खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ में एक बड़ा रिकॉर्ड जोड़ा है, कीर्तिमान साबित किया है। पुष्कर, कौशिक, दीपक भाई और भैरव, ऐसे चार नामें जो सामने आई हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी है। इस बार अमर ने खेला है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। अमर इज अ फायर, यस इज ए। इस समय 82 ऑन द बोर्ड। मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में सिक्सर इस समय आता हुआ 82 रन स्कोर कार्ड पर। रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है मैच 16 गेंदों में और 17 गेंदों में 50 रन की साझेदारी, 51 की साझेदारी। 84 ऑन द बोर्ड और प्रीतम यहां पर आ जाए। प्रीतम 84 रन स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड के ऊपर हमारा ऑन स्ट्राइक। इस समय छठे ओवर की आखिरी गेंद है, क्या लाजवाब इनिंग के लिए। इस समय फॉर एवर टीम ने टॉस जीता था। इस समय
बात करेंगे तो एमजी 11 टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया और उस न्योते का स्वीकार करके क्या सुपर बॉलिंग मिस्टर पुष्कर के द्वारा। इस बार अमर सबसे लंबा सिक्सर, स्कोर इस समय होता हुआ 9-0। मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में मंगल सम्माननीय अमित जी अमृत जी केमेश्वरा सर यहां पर आ चुके हैं, नाकोड़ा जनरल स्टोर के ऑनर यहां पर प्लीज आ जाए। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे आपका नाम लिया यहां पर बड़ा सिक्सर आया और 6 रन के सहारे आपका स्वागत हो चुका है 90 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक तरफ पुष्कर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, दूसरी तरफ अमर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमर अपने इंडिविजुअल स्कोर 21 रन के ऊपर खेल रहे हैं, 6 बॉल में 21 रन, 57 की पार्टनरशिप जस्ट 18 गेंदों में। अमृत जी खिमेश्रा साहब यहां पर आ चुके हैं नाकोड़ा जनरल स्टोर के ऑनर, प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं। संतोष 9-0 ऑन द बोर्ड, लगभग 15 के औसत से आगे बढ़ रहे, ऐसा ही रहेगा तो 105 का प्रोजेक्टेड स्कोर। इस बीच पुष्कर इस बीच अगली गेंद, पुष्कर थोड़ा सा सफल हुई थे, फुलटॉस को खेल दिया इस समय बाकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में, तब तक सिंगल आसानी के साथ में पूरा होता हुआ 91 ऑन द बोर्ड। आज मैदान के हर कोने में अगर देखेंगे आप पूरी तरह से रंग बिरंगी वस्त्र परिधान किए हुए हमारे सभी प्यारे मेहमान यहां पर आ चुके हैं। बीच मैदान में अगर देखेंगे तो कलरफुल टी शर्ट बोईसर की साभा मंडल को 4 चांद लगाते हुए ऊर्जा के स्त्रोत्र का निर्माण करते हुए, और इस बीच अमर अपने बैट के फेस को ओपन करते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर, अमर टायर्स मंगल टायर्स और बैटरी के सम्मान में चौका आता हुआ 95 ऑन द बोर्ड। इस बीच 2 रन चुराने का प्रयास और 2 रन मुकम्मल, 97 ऑन द बोर्ड, 97। थोड़ी देर में लकी ड्रॉ कूपन्स प्राइज जितने वाले का नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, अभी भी ड्रॉ निकालना है। और अमर वाड़ा शॉट सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया गेंद को सीधा डिप मैदान के ऊपर से, अमर नाम का ब्रांडेड सिक्सर, फॉर एवर टीम का ट्रेडमार्क इस समय बिग सिक्सर आता हुआ मंगल टार्सन बैटरी के सम्मान में। स्कोर इस समय 103 के ऊपर पहुंचता हुआ, वाड़ा ब्लास्ट, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है और 70 रन की बेहतरीन इनिंग पार्टनरशिप के लिए, सॉरी सिर्फ 22 गेंदों में। इस बार भी ओ माय गॉड फ्लैट सिक्स 113। एक सौ 113 रन, आखिरी गेंद है और 113 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस
व्हाट अ ट्रूमेंडस इनिंग। और यहां पर 113 109 हो चुका है, 109 हो चुके हैं, सॉरी मिस्टेक, 109 रन, 110 का टारगेट है और हमारे लक 110 का टारगेट है, ध्यान रखे 110 का टारगेट। और लकी ड्रॉ के जो हमारे लाभार्थी हैं अमृतचि खेमेश्रा, लकी ड्रॉ निकाल रहे, देखना है कौन सा किसके नाम की चिट्ठी होगी, लकी ड्रॉ पर खुला जाएगा उनके शुभ हाथों से अमृतचि खेमेश्रा के सब की तरफ से। यहाँ पे लकी ड्रॉ के जो लाभार्थी हैं, तो क्या शुरुआत की जाए सुरेश जी सोलंकी सर? यस, आपके शुभ हाथों से किस भाग्यवान का नाम आता है देखना है। यहाँ पर वीडियो कैमरा प्लीज यहाँ पर घुमाएं, कैमरामैन बंटी यहाँ पर घुमाएं प्लीज, तो देखना है कौन सा वो भाग्यवान है। 133 कूपन नंबर 133। जिसका भी कूपन है वो टोकन है वो आ जाए 133 लकी ड्रॉ। अपने पास जो कूपन है वो चेक करो जरा एक बार, क्या कहिए आपका नंबर तो नहीं उसमें। वन थ्री थ्री। इस बीच दूसरा विजेता भाग्यवान 051 51 नंबर, जिसके पास भी कूपन होगा 51 आ जाओ 51। नंदलाल जी साहब का यहाँ पर आ चुका है और आप यहाँ पर प्राइज को जीते हैं, कैसा लग रहा है सर जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भाग्यवान है, इतने सारे कूपन से लेकिन आपका नाम आया है। ये लकी आदमी है, ये पहले से लकी आदमी है, इसके लिए इसको बार बार कूपन लगता है, यही देखते रहता है कि मेरे को कब गिफ्ट लगे। हाँ सही बात है, नरेश भाई बोलते वो सही है सर जी, भगवान की कृपा है। पहले 133 उसके बाद में 50 051, और नरेश भाई भी चेक करेंगे अपने कूपन्स को। 167 है, चलो दूसरी बार हम चेक। कैमरामैन ये देखो भाग्यवान विजेता है नंदलाल जी, और यहाँ पर अपने प्राइस को लेते हुए सुपर गोल्डन मेमोरीज है सर, ये सोने रिक्शा ने जो हम यहाँ कैद करेंगे। चली फील्ड अलर्ट कर ले और 265 मैच ऑन करे और जरा कूपन चेक करे किसके पास 265 का कूपन होगा। 265 भाग्यवान विजेता 265 ढूंढ लो कूपन, ढूंढ लो, कहीं मोबाइल के अंदर रखा होगा, ढूंढ लो जल्दी, कहीं जींस के पॉकेट में रखा होगा, मोबाइल में रखा होगा। 265 और मैच फील्ड को अरेंज करें, 110 का टारगेट है। टू सिक्स फाइव आया आया आया
2 6 5 1 1 3 0 1 5 अब तक तीन भाग्यवान हमें मिले हैं 0 1 9 चौथा भाग्यवान विजेता 19 नंबर 0 1 9 ओ ये हमारे राजेश भाई को लगा है श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी क्या बात है मेरे को बोल रहे कूपन नहीं दिया मेरे को और यहाँ पे इनाम लेके जा रहे हैं देखो 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 कितने झूठ बोलते हैं मैच ऑन करें प्लीज और चलते हैं हम प्रीतम के पास प्रीतम आप बने रहे कमेंट्री के लिए 0 1 9 19 नंबर जिसका भी हो जल्दी आइए उन्नीस नंबर फटाफट देख लो नहीं तो फिर नंबर खारिज किया जाएगा जो भी उम्मीदवार हो आगे आ जाइए प्लीज और एक निकला तो 133 नंबर ये भी अभी बाकी है कहीं जिसका भी हो नंबर जल्दी आ जाइए पहला फर्स्ट फर्स्ट में कूपन निकला था 133 अगर नहीं कोई आएगा तो नंबर खारिज किया जाएगा दूसरा नंबर निकाला जाएगा जीरो सिक्स जीरो जीरो सिक्स जीरो जिसका भी कूपन हुआ है प्लीज गिफ्ट लेके जाइए साठ नंबर देखिए जल्दी अपने अपने मोबाइल में रखा होगा मोबाइल कूपन मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ एक अपना कूपन देख लीजिए दोबारा बोलता हूँ 133 नंबर 133 019 19 नंबर 60 नंबर और 60 नंबर 285 अभी लकी कूपन और निकला है 285 285 हेलो 285 285 जिसका भी नंबर हो अच्छा 60 आ गए हैं हाँ कैमरा के ऊपर देखिए आपका फोटो आएगा टोपी थोड़ा ऊपर कर लो दो सौ पचासी 285 जिसका भी नंबर है आ जाइए हेलो 219 219 नंबर 219 219 नंबर का कूपन है चलिए 110 रनों का टारगेट है मैच ऑन कीजिए अभी फाइनल मैच बाकी है हेलो 266 266 नंबर लकी नंबर 266 हाँ ये आया है नंबर लगता है किसका नंबर आया है हाँ भौजी के सम्मान में पहली गेंद वाइड स्कोरबोर्ड एक प्रिंस गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर बैट्समैन है मनीष नोसेक पर राही फिर से एक बार वाइड फिर से एक दो एक बार भौजी के सम्मान में गेंद जाएगी स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो 1+1 दो से आगे जाएगा 3 और यहाँ पे 4 रन निकलते हुए 4 रन के लिए गेंद निकल जाएगी मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में
स्कोरबोर्ड 6। और यहाँ पे पुष्कर है, कैच किया जाएगा पहला विकेट, बैक टू पवेलियन। इस वक्त सुरेश जी सिसोदिया के सम्मान में यस दिन से टू थ्री फोर लकी नंबर बोलना कितना है 234 नंबर 234 लकी नंबर 234 जिसका भी हो आ जाइए जल्दी। टू थ्री फोर कौन है भाई जल्दी आ जाओ। 91 हेलो 234 जिसका भी नंबर हो आ जाइए 234 हेलो बम्पर प्राइज है 091 नंबर 91 नंबर बम्पर प्राइज जिसका भी हो जल्दी आ जाए। क्या बात है बम्पर प्राइज मन पसंद हार्डवेयर हर्ष मेडिकल और हमारे पप्पू भाई डायमंड मित्र उनको कूपन का लकी नंबर लग गया है। ये बड़ा हिट और ये 6 रन सीधा निकल जाएगा मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो इस वक्त स्कोरबोर्ड पर स्कोर है 12 रन और 110 रनों का पीछा करना है 12 अब तक लगे स्कोर कार्ड पर। पहली ओवर प्रिंस और इस वक्त फिर से उठा है, क्या ये तीसरी विकेट होगी, कैच ड्रॉप, ड्रॉप कैच के भी स्पॉन्सर है हमारे पास सुरेश जी सोलंकी, इनके सम्मान में जाएगा ये ड्रॉप कैच। अगर कैच लेते तो ये तीसरा विकेट होता था। स्कोरबोर्ड 13 रन 13 110 रनों का टारगेट है 4 गेंदों में। चलो बेटा हो गया आगे चलो अभी बस वो खत्म हो गया चलो। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ खत्म हो चुका है, जिस किसी लकी पर्सन को ये ड्रॉ लगा होगा आके अपना इनाम ले जाए। और देखना होगा यहाँ पे पहली ओवर ओवर में ही बहुत कुछ घटता हुआ, दो विकेट भी आ चुके शायद 3 भी हो जाते, बड़े हिट भी दो आ चुके और ये तीसरी वाइट इस ओवर के भाऊजी के सम्मान में निकल जाएगी 1 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा 14 स्कोर कार्ड पर, देखा जाए तो लगभग 15 से 16 के औसत से दौड़ना है बल्लेबाजों को 110 रन अगर बनाने हैं। दूसरी सेमीफाइनल फॉर एवर बनाम MG 11
ये अच्छा स्ट्रोक है, थोड़ा ऊपर से निकल के गया है और यहाँ पे बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में एक ओवर के बाद 18 रन स्कोर कार्ड पर यशदीप से। एक ओवर के बाद 18 रन, अच्छी शुरुआत इस वक्त एमजी 11 की, भली बड़ा टारगेट है लेकिन उसे चेस करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। दो विकेट जाने के बाद अच्छी शुरुआत इस वक्त मिलान और राही, दो गेंदों में चार रन, राही नो स्ट्राइक पर खड़े, मिलान दो गेंदों में सात रन, अच्छी बैटिंग है। एक ओवर में 110 रन बनाए एज और अच्छी फील्डिंग, ये अच्छा स्टॉप है, भले ही रन ज्यादा है स्कोर पर स्कोरबोर्ड पर लेकिन फील्डिंग करना जरूरी है और अच्छी फील्डिंग। टीम के कैप्टन पुष्कर यहाँ पे फील्ड सजाते हुए बहुत ही अच्छे स्कोर बने और पुष्कर की लाजवाब बल्लेबाजी, हाफ सेंचुरी पूरी की, क्या क्या कैच होगा, पुष्कर पहुंच पाएंगे, अच्छी फील्डिंग है। शायद पहले लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को देखते रह गए और देखा कि जब वो नहीं आ रहे तो दौड़ लगाई और अच्छी फील्डिंग और ये एक ही रन, जहां पे शायद ये बाउंड्री हो जाती तो तीन रन बचाए और स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 19, रिव्यू खाली अंपायर अगर लेंगे तो, प्लेयर्स के लिए रिव्यू नहीं है, अंपायर या संपायर ने रिव्यू मांगा है, देखना होगा क्या रोप को टच किया है पुष्कर ने। नहीं, ये सेफ है, एक रन रहेगा, स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा, 19 रन इस वक्त स्कोरबोर्ड पर, 110 रन बनाने सेमीफाइनल मैच है अगर जीतना है तो। राही के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक आने जरूरी, फिलहाल तो भाऊजी के सम्मान में वाइड डाउन द लेग साइड, स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त 20, अभी भी 90 चाहिए। गेंदे अगर देखी जाए तो गेंदे है 34 गेंदे 90 रन, ये स्ट्रोक लगा है स्क्वेयर लेग में खिलाड़ी है, एक रन जरूर मिलेगा, स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त 21, अच्छी गेंदबाजी और गेंदबाजों के लिए बहुत सारे रन बना के दे उनके बल्लेबाजों ने, इस वजह से थोड़ी टेंशन फ्री रहेंगे गेंदबाज। ये स्ट्रोक लगाया है, शायद कैच होगा और पुष्कर यहां पे कैच ड्रॉप, फिर से एक बार ये कैच ड्रॉप जाएगा सूरज जी सोलंकी के सम्मान में। और देखा जाए तो अब तक कैच छूटा नहीं था लेकिन इस वक्त कैच छूटा हुआ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लेने का प्रयास और यहां पे कैच ड्रॉप, स्कोरबोर्ड एक से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त 22। इस वक्त राही के बल्ले से आउट ऑफ पर 6 रनों के लिए मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में यशदीप से। छह रनों से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा और स्कोरबोर्ड इस वक्त यहाँ पे 28। पीयूष सिसोदिया इनकी ओर से अगर राही लगातार तीन बड़े हिट लगाते तो 1001,
ये दो लगे हैं। अगर और एक बड़ा हिट आता है तो यहाँ पे पीयूष की तरफ से 1001 कैश प्राइज दिया जाएगा। फिर से एक बार मंगल टायर एंड बैटरी के सम्मान में गेंद जाती हुई आउट ऑफ पार 6 रनों के लिए इस वक्त 34। दो ओवर के बाद अच्छी शुरुआत 17 के औसत से दौड़ती हुई इस वक्त टीम MG11 SDJ। दो लगे है इस वक्त, राही नॉन स्ट्राइक पर है। दो ओवर का 34। लकी ड्रॉ, दो कूपन बाकी है, 133 133 और 19 नंबर 19। जिनके पास है आप आ जाए, अपना प्राइज लेके जाए। 5 मिनट में अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर से एक बार लकी ड्रॉ होगा। 19 और 133। अब देखा जाए तो स्कोर बोर्ड 36 जो प्राइस था इस वक्त राही पे वो जा चुका है, लेकिन उनके पापा ने प्राइस लगाया रवि खटावत, इनके ओर से हर सुपर सिक्स पर 1000 रुपये 1000। और लाभ के दे इस वक्त गेंद को भेज दिया स्टैंड में, तारामंडल में, मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में SDJ। थैंक यू 110 रन भले ही टारगेट दिया, लेकिन ये बताते हुए बल्लेबाज हमारे गेंदबाज भली गलती कर चुके हैं, लेकिन गलती को सुधारा जाएगा हमारे बल्लेबाजी से। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 42, क्या शुरुआत है, 15 गेंद में 42। ये छोटी गेंद है, गैप में है, तेज निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, सीमा पार, 4 रनों के लिए SDJ। थैंक यू। इस वक्त हिट का जवाब पत्थर से देते हुए यार MG11 के बल्लेबाज बनाए 109-110 जरूर दे 7 ओवर में, लेकिन 2 ओवर 4 गेंदे हो चुकी है और यहाँ पे 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए तो 47 रन हो चुके अब तक। आखिरी गेंद तीसरी ओवर की गेंदबाज है दर्शन, 47 स्कोर कार्ड पर अच्छी शुरुआत, टारगेट को काफी हद तक कम कर चुके और राही गलती कर बैठे, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, आखिरी गेंद पर सिंगल खेलने का प्रयास और यहां पे बड़ा विकेट बैक टू पवेलियन राही। ये अच्छा काम कर दिया इस वक्त जाते जाते दर्शन ने, ओवर खत्म होते होते विकेट और विकेट जाएगा इस वक्त सुरेश जी सिसोदिया के सम्मान में SDJ।
अब आए पुष्कर गेंदबाजी के लिए तीन ओवर के बाद 47 और राही आउट होने के बाद यहां पे बता रहे कि अभी हम खड़े हैं मिलन, अब 100 छूटोगे तो दूसरा सामने खड़ा है यहां पे मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड 6 से आगे जाएगा इस वक्त 53। क्या लाजवाब शुरुआत है, तीन ओवर एक गेंद 53 रन्स। ये फुलटस है, ये भी जाएगी, बख्शेंगे नहीं। इस वक्त 6 रनों के लिए बैक टू बैक 59 स्कोर कार्ड पर यस डिजे। अब अच्छी गेंद और सम्मान भी दिया है, अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, क्या बात है, बढ़िया बल्लेबाजी। 110 रन, फिर भी कोई प्रेशर नहीं, अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए इस वक्त मिस्टर मिलन 12 गेंदों में 33 रन पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर है 59, लेकिन अभी भी देखा जाए तो दिल्ली दूर है, आखिर तक खड़ा रहना होगा जीतने के लिए। चौथी गेंद डॉट, अपील जरूर की थी, जोरदार अपील थी, लेकिन इस वक्त डॉट गेंद। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए 59 पे रुका है, अभी दो बड़े हिट के बाद दो डॉट गेंद, तो कमबैक करते हुए पुष्कर। अभी भी देखा जाए तो 51 रन चाहिए जीतने के लिए। फुलटस, ये सबसे बड़ा हिट है, ये 6 रनों के लिए जाएगा। लो फुलटस गेंद है, नोके यहाँ पे अपील किए बैट्समैन ने, लेकिन ये नो गेंद नहीं है। मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में 6 रनों के लिए यस डिजे। थैंक यू डिजे। पहले बैटिंग के बाद और पहले ओवर के बाद फॉर एवर 11 इस टीम के खेमे में जल्लोष था, लेकिन अब देखा जाए तो एमजी के खेमे में जल्लोष, मिलन खड़ा है और यह आपको फाइनल में जाने से रोक सकता है। ये बताते हुए यहां पे पुष्कर जैसे गेंदबाज को चौथी बड़ी हिट, ओवर में 24 रन, ओवर खत्म 4 ओवर के बाद 71 रन यस डिजे। थैंक यू डीजे, रंग तो चढ़ चुका है। अब इस वक्त देखा जाए तो 71 हो चुके हैं तीन ओवर में, अभी 39 चाहिए। और जो कैच छूटा था, मुझे लगता है विकास के हाथ से वो कैच छूटा था मिलन का, शायद उस वक्त मिलन 2 या 3 रन पर थे, और अब देखा जाए तो मिलन 45 रनों पे खेल रहे। तो कैच विन मैच क्यों कहा जाता है आप देख सकते, इसीलिए कहा जाता है, एक कैच मैच हरा जाता है, एक विकेट आपको मैच हरा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंशन का माहौल, अब रन रेट नीचे गिरता हुआ, अब 13 के औसत से रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त मिलन, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा 72, स्कोरबोर्ड पर 38 चाहिए। 17 गेंदों में 4 ओवर और 1 गेंद का खेल हो चुका है, 17 गेंदे 38 रन। और अब स्ट्राइक पर डेंजर मैन 45 रन पर खेलते हुए, अच्छी गेंद है, इस वक्त हल्के हाथों से खेला है, खोद के निकला इस वक्त गेंद को, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा और स्कोरबोर्ड रहेगा इस वक्त 73।
73 रन, ये अच्छी गेंदबाजी, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और जड़ में गेंद को डाल दिया। अभी भी मैच दोनों तरफ झुकी हुई है मैं कहूंगा, क्योंकि 110 रनों का टारगेट है, एक अच्छे और आती है तो फिर से एक बार कमबैक हो जाएगा फॉरएवर टीम का। हमेशा ऐसा देखा गया है, बड़ा टारगेट जब चेस कर रहे होते तो हर ओवर में रन आने जरूरी होते, एक ओवर भी अगर अच्छी गिर जाए तो फिर से रन रेट बढ़ जाता है। और ये अब तक अच्छी ओवर घटती हुई, तीन गेंदे डाल चुके हैं, सिर्फ दो रन खर्च किए, 73 स्कोर कार्ड पर, नो स्ट्राइक पर 46 रनों पर इस वक्त मिलन, MG 11 वर्सेस फॉरएवर 11। यहाँ पे इंतजार कर रही है टीम सपना 11, कौन आएगा हमारे सामने, मिस स्पीड, लेकिन गेंद फील्ड होती हुई, ओ डायरेक्ट हिट अगर लगता तो शायद लौटना पड़ता मिलन को। स्कोर बोर्ड 2 से आगे जाएगा, स्कोर बोर्ड है 75, अब 35 रन चाहिए, गेंद बची है 14 गेंदे, 35 रन, सेमीफाइनल 2 BPL 2022। आगे बढ़कर खेला है, इस वक्त गेंद रोका जाएगा, प्रिंस है वहां पे, एक रन जरूर मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी, अमर टीम को संभालते हुए कमबैक करके देते हुए, इस वक्त अमर एक रन जरूर मिलेगा, स्कोर बोर्ड यहाँ पे 76, 34 चाहिए, 13 गेंदे बाकी है, अभी भी देखा जाए मिलन जब तक खड़े है तब तक राहत की सांस नहीं ले सकते फॉरएवर 11। ये स्ट्रोक लगाया है, क्या गैप में गेंद जा रही है, यहाँ पे डीप स्क्वेलेग रीजन में एक ही रन यहाँ पे दौड़ा है मिलन ने, स्कोर बोर्ड 1 से आगे जाएगा, स्कोर बोर्ड 77, अब 2 ओवर और 33 रन चाहिए, यानी कि 2 ओवर में 33, मतलब फिर से एक बार आप देख सकते 16.5 के औसत मेंटेन करने होगी। इस ओवर में सिर्फ रन आए, मुझे लगता है सिर्फ 6 रन आए, अच्छी गेंदबाजी अमर की, यस दिन से दो ओवर 33 रनों की दरकार, प्रिंस गेंदबाजी पर यहां पे, और शायद पुष्कर को पिछले ओवर में 24 रन जो गए चौथे ओवर में, इस वजह से उनको रुकाया है, प्रिंस को लाया है, लेकिन मिलन रुकने वाले नहीं है, ये गेंद आउट ऑफ पार, हाफ सेंचुरी पूरी, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मंगल टायर्स एंड बैटरी के सम्मान में यस डीजे। थैंक यू डीजे, मिलन को पता है कि काम पूरा नहीं, इसलिए अभी बैट दिखाई नहीं, उन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर हो चुकी है, और गेंद निकल जाएगी, लकी रन, बोनस रन, प्रिंस ने कर दी गलती, ये वाइड पर 4 रन, स्कोर बोर्ड 5 से आगे जाएगा, भौजी के सम्मान में वाइड, यस डिजे। थैंक यू डिजे, स्कोर यहां पे आप देख सकते 88 रन, जिस तरह की फॉरएवर ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह की बल्लेबाजी MG 11, उनको पता है ये सेमीफाइनल है, जीतना जरूरी है, और उसी तरह का इस वक्त रवैया, खासकर मिलान दबाव है टीम पर, क्या होगा, कैच होगा, अच्छा प्रयास था लेकिन बहुत दूर था, और 2 रन जरूर मिलेंगे, तो किस्मत भी साथ देती हुई इस वक्त MG 11 का, बहादुर का साथ, जिस तरह किस्मत देती है तो साथ देती हुई मिलन का, मिलन अभी देखा जाए तो आप देख सकते हैं 53 रनों पे खेलते हुए, गेंदे 55 रन की
धुआंधार पारी अब तक खेल चुके मिलान। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो 90-20 चाहिए। ओहो कैच, फिर एक बार ड्रॉप और दूसरा कैच ड्रॉप। इस वक्त ये कैच होना जरूरी था क्योंकि अभी भी 20 रन उनके खाते में थे फॉरवर्ड 11 के, और यहाँ पे गेंदबाज को सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग पे भी ध्यान देना जरूरी है। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो स्कोरबोर्ड 92-18 चाहिए जीतने के लिए। 9 गेंदे और 18 रन स्ट्राइक पर मिलान। गेंद को फिलहाल जाने दिया है। 9 गेंदे और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। उगट डोले पान हिट, अगली गेंदे फ्री हिट। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 93। यह अच्छा मौका है रनों को कम करने का, लेकिन यह मौका गवा दिया और मिलन से यह गलती हुई है। अब तक देखा जाए तो ऐसी गेंद बाउंड्री बाहर ही देखने मिले, लेकिन फुलटस पे इस वक्त बच्चे 9 गेंदे फिर से एक बार, और ये दूसरी 9 गेंद, और इस वक्त देखा जाए तो फिर से एक बार फ्री हिट रहेगा 95 स्कोर कार्ड पर 9 में 15। यस, इसके बाद होने वाली मैच सपना 11 बनाम इस 2 टीमों में से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। सपना 11 से विनती है कि आप अपनी टीम रेडी रखे, तैयार रखे। 9 गेंदे में 15 चाहिए, 95 रन हो चुके। रेफर अगर अंपायर ले तो, प्लेयर के लिए नहीं है, रिव्यू प्लेयर के लिए नहीं है, अंपायर ले तो बाद में कैंसिल करने भी बोला है हमें। रिव्यू खाली अंपायर अगर लेंगे तो प्लेयर के लिए नहीं है। नो गेंद और यहाँ पे एक रन और 95 स्कोर कार्ड पर। अब 9 गेंदों में 15 चाहिए, 110 रनों का बड़ा टारगेट, और ये बड़ा टारगेट अब 15 रन दूर है अचीव करने से। एमजी 11 के बैट्समैन क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। 22 गेंदों में 58 रनों पर खेल रहे मिलान। और स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज है सिद्धार्थ। अब तक तो 4 गेंदों में 4 बनाए, 9 गेंदे 15 रन, और जिस तरह की बैटिंग हो रही है मिलन के द्वारा तो ये 9 में 15 आप कम लग रहे। 110 जिसे बड़ा टारगेट था और वो टारगेट मिलन ने आसान कर दिया। अब देखना होगा 9 में 15 बनेंगे क्या। फुलटस गेंद, दूसरी फुलटस गवाते हुए, डॉट गेंद जरूर जाएगी। इस वक्त उषा देवी सोलंकी के सम्मान में, और ये फुलटस गेंद ये जानी चाहिए थी। मैच कभी भी घूम सकती है, आप आसान लोगे तो मैच फिनिश नहीं होगी, मैच को फिनिश करना जरूरी है। एक रन मिलेगा, यस एक रन। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। बच्ची गेंदबाजी प्रिंस। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए 96, 14 चाहिए साथ में। 7 गेंदे 14 रन्स, 2 रन स्ट्राइक पर, 7 गेंदे 14 रन। अब अच्छी गेंदबाजी फिर से एक बार तैयार। ये काफी बार भौजी के सम्मान में वाइड गेंद, अपील जोरदार थी खास करके स्क्वेलिक रीजन के फील्डर से। एक रन जरूर मिलेगा, स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 97, 13 चाहिए, 7 गेंदे। अब यहां से हारना पसंद नहीं करेगी एमजी 11। और यहां पे स्ट्रोक लगाया है, हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये लैंड होगा स्टैंड में। मिलन के बल्ले से आता हुआ लाजवाब स्ट्रोक आउट ऑफ पार 6 रनों के लिए। मंगल टायर्स एंड बैटरी की ओर से इस वक्त ये 6 रन उनके सम्मान में जाएगा। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो 103। अब सेंचुरी पूरी होती हुई टीम की एमजी 11 की, और 6 में 7। अब पूरा हाथी निकल चुके हैं, अब खाली पूछ बची है, तो 6 में 7 ये पूरे करने होंगे।
20 गेंदों में यहां पे 56 रनों की पार्टनरशिप। बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा मिलन द्वारा, और देखा जाए तो उनके साथ खड़े हैं 5 गेंदों में 5 रन बनाकर सिद्धार्थ। अब 6 में 7 चाहिए गेंदबाजी के लिए पुष्कर। और ये 6 में 7 पहली गेंद फुल टॉस कैच ड्रॉप। और यहां पे कैच ड्रॉप सिंगल मिलेगा फुल टॉस पे। सिद्धार्थ ने मौका गवाया, बार बार फुल टॉस गेंद मिली सिद्धार्थ को लेकिन गेंद को आउट ऑफ पार कर नहीं पाए। और देखा जाए तो 5 में 6 और ऐसी गेंद और धीमर, ये स्लो गेंद डालने का प्रयास। यहां पे नो गेंद, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी 5 में 4। अब 106 रन हो चुके 5 में 4। सोचा नहीं होगा फॉरवर्ड टीम ने कि 110 रन बनाकर 5 में 4 आएंगे। खराब गेंदबाजी खास करके उनके बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज पुष्कर, पहली ओवर में 24 रन खर्च किए। डीजे मास्टर से भी विनती रही आप तैयार रहे, ये एक ऐतिहासिक विन होगी। अगर देखा जाए तो गैप में है विनिंग स्ट्रोक एमजी 11 और 2022 की बीपीएल की दूसरी फाइनलिस्ट टीम यस डीजे। सपना 11 अपने पूरी टीम के साथ ग्राउंड पर पिच पर आ जाए। और एमजी 11 आप पिच पर ही रुके रहे, सपना 11 आप पूरी टीम के साथ पिच पर आ जाए। एमजी 11 आप पिच पर रुके। और रूप जी घाटावत उनसे भी विनती रहेगी आप टॉस के बॉस आप भी पिच पर आ जाए। रूप जी घाटावत से भी विनती रहेगी आप पिच पर आ जाए। तब तक चलते हम डीजे की तरफ। यस मिलान इस मैच के हीरो। चलिए दोनों टीम से विनती है, हमने पहली अनाउंसमेंट की थी सपना 11 डिसिप्लिन रखिए, बार बार आपको बोला नहीं जाएगा आप दोनों टीम को एमजी 11 और सपना 11। चलिए अपने अपने प्लेयर्स लेकर बीच मैदान में आ जाइए पिच पर। और टॉस का बॉस रूप जी घाटावत इनसे भी विनती रहेगी कि आप पिच पर जाइए। आखिरी मैच फाइनल मैच का टॉस किया जाएगा। दोनों टीम से विनती है आप अपनी अपनी टीम लेकर पिच पर आ जाइए। और